उत्तराखंड में मनाए जाने वाले अधिकतर त्यौहार कृषि से संबंधित हैं। इन्हीं में से हैं दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा और भैया दूज त्यौहार। इन त्यौहारों को लोग दीपावली पर्व पर ही जहां धूमधाम से मनाते हैं, वहीं कपकोट ब्लॉक के पोथिंग समेत कई गांवों में रह रहा गड़िया परिवार इन्हें दीपावली पर्व के ठीक एक माह बाद गड़िया बग्वाल के रूप में मनाता है। गड़िया बग्वाल मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी की रात से आरंभ होकर अमावस्या की सुबह संपन्न होता है। अन्य पर्वों की तरह ही गड़िया बग्वाल के दिन तरह तरह के पकवान बनाने की परंपरा है। अपने कुल देवी देवताओं और अपने पितरों को पूजने की परंपरा है। इस दिन पालतू जानवरों को रोली का टीका लगाकर सींगों पर तेल लगाया जाता है। तत्पश्चात जानवरों को हरा चारा और जौ के लड्डू खिलाए जाते हैं। परिवार के लोग एकत्रित होकर सामूहिक भोज करते हैं। बग्वाल के दिन सभी गड़िया परिवार के लोगों द्वारा अपनी बेटियों को भोज के लिए ससुराल से मायका जरूर बुलाया जाता है। किसी कारणवश बेटियां नहीं आ पाती हैं तो परिवार का एक सदस्य बेटी के ससुराल त्यौहार पर बनाए गए पकवान पहुंचाने की परंपरा है। इस त्यौहार पर ब्याही बेटियां बड़े उत्साह के साथ अपने मायके आते हैं। बहुत बार बेटियों को कहते सुना कि उन्हें इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। पहाड़ की बेटियों के लिए यह पर्व आराम का पर्व भी है, क्योंकि इस पर्व के आने तक वे अपने संपूर्ण कार्य जैसे फसल समेटना, बुआई करना, घास काटना इत्यादि पूर्ण कर चुकी होती हैं और वे बेफिक्र होकर मायके का आनंद ले सकती हैं। गड़िया बग्वाल कपकोट ब्लॉक के पोथिंग टोली गडेरा लीली लखमारा डो बिची पन्याती छुरिया कन्याली कोट कपकोट पनोरा फरसाली आदि गांव में मनाया जाता है। गड़िया लोगों द्वारा अपना त्यौहार गड़िया बग्वाल मनाने के पीछे लोगों के अपने अपने तर्क हैं। लोग कहते हैं कि जब दीपावली के बाद चूड़ी बग्वाल मनाया जाता है, तब शायद गड़िया परिवार के पूर्वजों का कार्य कृषि कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं जो इत्यादि की बुआई का काम चरम पर होता है। इसी व्यस्तता के कारण गड़िया परिवार के पूर्वजों ने इस त्यौहार को बाद में मनाने का निर्णय लिया हो और यह सिलसिला आज भी चला आ रहा है। गड़िया त्यौहार मनाने के पीछे जो भी तर्क हों, लेकिन आज हमारे सामने चुनौती है तो अपने लोक पर्वों तीज त्यौहारों मेलों आदि को जीवित रखने की। धन्यवाद।